सत्ता अमृत है, सत्ता जहर है। सत्ता राजनीति की जौड़ी से गुजरने वाला सिंहासन का वो सर्वोच्च है जिसके शीर्ष पर प्रत्येक व्यक्ति विराजमान होना चाहता है। सत्ता के इस एपिसोड में आज हम मुलाकात कर रहे हैं भाजपा के चिंतक और विचारक की भूमिका में रहने वाले राज्यसभा के सांसद मदन लाल सैनी से। मदन लाल सैनी जी, आपका स्वागत है सत्ता में। धन्यवाद। मदन लाल सैनी जी, भाजपा के संगठन और सत्ता दोनों का राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक विस्तार हुआ है। आपके सामने उत्कृष्टता के खतरे हैं, इन खतरों से कैसे निपटेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हम लोग राष्ट्र के हित को सर्वोपरि मानकर काम करते हैं। इस काम में मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे संगठन का राष्ट्र नेतृत्व है, प्रदेश का नेतृत्व है। हम सब लोग मिलकर अपनी बैठकों में राष्ट्र के सामने आने वाले सभी विषय पर चर्चा करते हैं और किस प्रकार से उनसे निपटा जा सकता है और राष्ट्र हितों की सुरक्षा की जा सकती है, इस पर हम बैठकर विचार विमर्श करते हैं। राज्यसभा में भाजपा अपने ऑलराउंडर्स को भेज रही है, उन ऑलराउंडर्स में अचानक एक नाम निकल कर आता है मदन लाल सैनी का, राजस्थान की पृष्ठभूमि से। कौन से ऐसे जादुई कारनामे हैं जिसके कारण ये नाम एकदम निकल कर सामने आया? मैं इस विषय में कुछ नहीं जानता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि पार्टी ने जब जब मुझे जो अवसर दिए काम करने के, मैं उन अवसरों पर खरा उतरूँ, पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूं, यही मैंने सोचा है। ये पार्टी ने सोचा होगा कि मेरे अधिकारियों ने सोचा होगा, केंद्र के अधिकारियों ने सोचा होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगठन महामंत्री जी हैं, उन्होंने इस बारे में निर्णय किया होगा कि मुझे क्यों भेजा है। मदन लाल सैनी जी, एक बात जानना चाहते हैं, आप तो संगठन में काफ़ी लंबे समय से हैं, नए राज्यों में आप लगातार जीतते जा रहे हैं, लेकिन जो आपके परंपरागत राज्य हैं वहाँ पर आपका मुकाबला लगातार चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है, क्या बड़ा कारण है? राजनीति में हमेशा चुनौतियाँ बनी ही रहती हैं और सामने वाले को कभी भी कमज़ोर आंकना नहीं चाहिए और चुनाव में पूरी तैयारी के साथ ही चुनाव लड़ना चाहिए और जो चुनौतियाँ आती हैं उनको हम सामूहिक रूप से मिलकर चिंतन करके उनका मुकाबला करते हैं और आज तक सभी चुनौतियों को हमने स्वीकार किया है। जमीनी स्तर पर कई मुद्दे सुलग रहे हैं लेकिन आप राष्ट्रवाद के आवरण से उसको ढक रहे हैं, ये राष्ट्रवाद का आवरण सभी मुद्दों के लिए आवश्यक थोड़ी है? सामाजिक जो परिवेश है जहाँ से आम जनता चलती है, उस जनता के सामने समस्याएँ होती हैं, उनकी परेशानियाँ भी होती हैं, उन सब परेशानियों का हल हम राष्ट्रहित की दृष्टि से निकालते हैं। समाज में कोई छोटा बड़ा नहीं है, इस आधार को लेकर भारतीय जनता पार्टी चलती है और सब जगह भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया। आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि ये जो दंगे अभी हुए हाल ही में 2 तारीख के बाद में, ये उन्हीं राज्यों में हुए जहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन है। ये लगातार लोगों ने सवाल किया। तो सवाल ये है कि यही क्यों हुआ? यहाँ जो विपक्ष के लोग हैं उनकी ज़मीन खिसक गई है। खास रूप से मैं कांग्रेस के बारे में कहना चाहूँगा कि कांग्रेस की ज़मीन इतनी खिसक गई है कि अब उनको अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये जातिवाद को प्रभावशाली कौन बना रहा है सैनी जी? देखिए, कांग्रेस ने हमेशा तुष्टिकरण की नीति अपनाई जी। और आप लोग जानते हैं कि कुछ वोट बैंक अपना पक्का रखने के लिए इस प्रकार के साधनों का उन्होंने उपयोग किया। हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को शहरी पार्टी कहकर और जरा उच्च वर्ग की पार्टी कहकर बदनाम किया जाता रहा, लेकिन जैसे जैसे हमारा ग्रामीण परिवेश बढ़ा, हम सब जातियों में सर्वग्राही होने लगे, तो उन लोगों का जिनका वोट बैंक पहले से फिक्स था, समाजों में फिक्स था, उन समाजों में हमारी अप्रोच नहीं होती थी, इस कारण से वो बिल्कुल पूर्ण रूप से उस समाज में वो छाए थे। लेकिन सैनी जी, उपचुनाव में तो आपको बहुत बहुत भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। पिछले चुनाव में जी जो हमारी पराजय हुई, हम हारे,
मैं इसको इस रूप में लेता हूँ कि शेर जब लंबी छलांग लगाता है तो थोड़ा पीछे खिसकता है, और पीछे खिसकता जितना है उतनी उसकी छलांग लंबी जाती है। आने वाले 18 और 19 के चुनाव में इन पराजित जो उपचुनाव हुए इससे हम लंबी छलांग लगाएंगे, और जो हमारी मुख्यमंत्री ने, हमारे संगठन ने जो 180 प्लस का विधानसभा में जो टारगेट दिया है हम इसको पूरा करेंगे, लोकसभा में 25 का टारगेट पूरा करेंगे, और राज्यसभा में आज मैं इस बात पर खुशी जाहिर करता हूँ कि कांग्रेस सुनने की स्थिति में पहुँची है। लेकिन सैनी जी, कांग्रेस लगातार ये कहती है, आप पर आरोप लगाती है कि आप गहन चिंताओं को दरकिनार कर रहे हैं और अपना पूरा ध्यान आप राहुल गांधी पर हमला करने में लगाते हैं। हम गहन चिंताओं पर बहुत चिंता करते हैं, जो राष्ट्र के विषय उन पर चिंता करते हैं। राज्यसभा में मैं था, मैंने देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस के लोगों ने हाउस को चलने नहीं दिया, लोकसभा को चलने नहीं दिया। लाखों रुपया खर्च होता है इस देश की जनता की गाड़ी पसीने की कमाई को, वो कहते हैं आप सुनते नहीं उनकी बात। नहीं, मैं था स्वयं वहां, कहा गया कि हम चर्चा कराने को तैयार हैं, हम मतदान कराने को तैयार हैं। जब लोकसभा राज्यसभा में हाउसेज में कोई विषय अटकता है तो चर्चा की जाती है, मतदान कराया जा सकता है, लेकिन वेल को खाली नहीं किया उन्होंने। जब वेल खाली नहीं होती तो मतदान नहीं हो सकता जी। तो ये कांग्रेस ने चलाकर उस एक्ट को रोका जो भ्रष्टाचार पर रोक लगाने वाला था। तो कांग्रेस स्वयं नहीं चाहती, ये राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण एक विधेयक था जिसको उन्होंने रोका। क्या देश में भ्रष्टाचार होना चाहिए? कांग्रेस कहती है कि मोदी जी मनमानी करते हैं, बीजेपी मनमानी करती है, और बीजेपी जबरदस्त हमला करती है कि वो छोटी गलती कर देते हैं, लेकिन आप कुछ भी करते हैं तो कांग्रेस बोल नहीं पाती है। चर्चा करने के लिए उनके पास कोई विषय है ही नहीं जिसमें वो जनता को ये कह सकें कि इस एक्ट में बुराई है, गड़बड़ है। वो चर्चा के द्वारा यदि कहीं कोई एक्ट में वो संशोधन चाहते थे तो उस पर ला सकते थे ना। उनका एक प्रवक्ता स्पष्टीकरण देता है, आपके 10 प्रवक्ता मैदान में उतर के बराबर कांग्रेस पर हमले जारी कर देते हैं। ये हम क्यों नहीं करेंगे जी? जब हम पाड़े में होंगे तो हम हमारी टीम के लिए जिताने की कोशिश करेंगे ना। कांग्रेस कहती है कि मोदी जी टूरिज्म डिप्लोमेसी करते हैं और बीजेपी कांग्रेस पर हमले करने का काम करती है, इसके अलावा देश में कोई विकास का काम नहीं। कांग्रेस पर हमला नहीं करें क्या? उनकी गलतियों के नहीं कहें? कल उपवास कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं कि जनता का उपवास कर रहे हैं? यानी खाना खाकर उपवास करना, मेरा आज मंगलवार का उपवास है। मैं समझता हूँ चाय के अलावा मैं कुछ पीने वाला नहीं हूँ, कुछ लेने वाला नहीं हूँ। तो क्या उपवास यही होता है? ये उपवास का नाटक है। इसलिए कांग्रेस को इस बात पर विचार करना चाहिए कि उनके एक्शंस में गंभीरता है या नहीं। लेकिन सैनी जी, ये बात तो जनता भी समझती है। दो फोटो आने पर आपने लगातार अपने 10 प्रवक्ता मैदान में उतार दिए और जबरदस्त हमला बोला आपने दोपहर बाद। नहीं, जो आदमी गलती बहुत बड़ी या छोटी नहीं होती, लेकिन गलती किस नेचर की गलती है मैं तो इस बात का होता है। यदि उपवास आप कर रहे हो, एक राष्ट्रीय पार्टी उपवास कर रही है, उसका अध्यक्ष उपवास कर रहा है, इसलिए वो गंभीर विषय है। इसलिए जनता के सामने लाना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया कि ये इनका क्या एक्शन क्या है, ये क्या करना चाहते हैं। जो आदमी झूठा उपवास करेगा वो देश को क्या दिशा दे सकता है? सत्ता पाने के लिए तो समझौते करने ही पड़ते हैं, और उन समझौतों से तो आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। आप लंबे समय तक संगठन में रहे, एक बात जानना चाहता हूं आपसे कि सत्ता और संगठन के मध्य विचारधारा की गहरी खाई बढ़ती जा रही है। नहीं, आपको सत्ता को समझौते करने पड़ रहे हैं। कश्मीर में समझौता किया आपने, अलग अलग जगह सत्ता के लिए समझौते किए, मेघालय में किया, मिजोरम में किया, नागालैंड में किया। ये समझौते सत्ता पाने के लिए, इसका विचारधारा से भी कोई लेना देना है? विचारधारा से ही लेना देना है इसका। कश्मीर में आज हम उनकी सरकार बनती तो उनको पूरा खुलकर खेलने का मौका मिलता। आज हमारे कारण से वहाँ अंकुश है, और कुछ वो एक्शंस जो कर सकते थे वो करने से रुकते हैं। और जहाँ तक पूर्वोत्तर में आप कल्पना करते हैं हमारे कितने लोगों को कत्ल किया, सरेआम कत्ल किया गया लोगों का, उनके भी परिवार थे। वो उन्होंने कत्ल किस बात के लिए किया? सत्ता प्राप्त करने के लोगों का कत्ल किया? हमने लोगों का कत्ल तो नहीं किया कम से कम।
ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। मदन लाल सैनी जी, एक बात जानना चाहते हैं, आप 70 सालों का मुकाबला 4 सालों से कैसे करेंगे, इससे कैसे निपटेंगे आप? व्यक्तित्व जब खड़े होते हैं तो एक आदमी पूरी दुनिया को बदल देता है जी। बहुत पुराने उदाहरण हैं, पृथ्वीराज चौहान 26 वर्ष की आयु में 17 लड़ाइयां लड़ ली और 26 वर्ष में उनकी डेथ हो गई। आदि गुरु शंकराचार्य 32 वर्ष की आयु में चले गए। विवेकानंद जी भी इसी के आसपास चले गए। संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार भी इसी के आसपास चले गए, लेकिन उन्होंने जो शक्ति दी उससे भगत सिंह चले गए जी। तो बंदा वीर बैरागी चले गए जी। इन लोगों ने जो दिशा दी, दिशा देने के लिए बहुत समय की जरूरत नहीं होती, विषय की जरूरत होती है और उसके पीछे खड़ा हुआ जीवन होता है। आज उनका जीवन दिखता है कि उन्होंने देश के लिए क्या किया है। हम उस लाइन से आते हैं जहां कई बार बात कहते हैं देश की आजादी के समय आप कहां चले गए थे। मैं पूछना चाहता हूं, कश्मीर पर जब कबायलियों का हमला हुआ उस समय जब हमारा एयरपोर्ट तैयार नहीं था, उसको कहा हमने कि सेना उस काम में लगी हुई है इसलिए कोई तैयार तो करने को आओ, कोई नहीं आया। उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक ने रातों रात तैयार किया, हमारी सेनाएं उतरी और कबायलियों को मैंने खदेड़ा। कांग्रेस जवाब देने इस बात का? कांग्रेस तो कहती है सैनी जी कि आप तिरंगा झंडा भी संघ कार्यालय पर नहीं लगाते, आप भगवा झंडा लगाते हैं वहां पर। कांग्रेस भी आप पर हमला करती है, आप भी राष्ट्रवाद को नहीं मानते। भगवा झंडा इस देश का झंडा है, भगवा झंडा त्याग तपस्या और बलिदान का झंडा है। हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में जो सेनानी लड़े वो भगवा झंडा लेकर लड़े। राणा प्रताप हो, महाभारत का युद्ध हो, भले राम रावण का युद्ध हो, उसमें भगवा झंडा हमारा रहा। उस समय भगवा झंडा ये था, लेकिन जब देश आजाद हुआ उसके बाद में जब तिरंगा झंडा आया हम उसका सम्मान करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों को कि फतेहपुर में जब अस्कली टाक की उपस्थिति में भगवा उसको तिरंगे झंडे को जलाया जाता है और वहां पर हमारा मंत्री उपस्थित होता है, एमएलए उपस्थित होता है और उन लोगों पर कोई कार्यवाही नहीं होती, तिरंगा झंडे का कितना सम्मान करते हैं, उनसे पूछो तो जरा। सैनी जी, कांग्रेस ये भी आरोप लगाती है कि जो लोग देश के खिलाफ थे आपने कश्मीर में उनसे समझौता कर लिया सरकार बनाने के लिए। सरकार बनाने के लिए नहीं किया हमने, देश की सुरक्षा के लिए हमने समझौता किया ताकि उनको उनके मन में जो उच्छृंखलता है या उनके मन में जो बात है उसको हम साथ रहकर ठीक कर सकें, उनके मन को हम बदल सकें। आपको लगता है वो बात ठीक हो रही है? हाँ, हम ठीक करेंगे। धारा 370 जैसा बड़ा मुद्दा पिछड़ गया बहुत कहीं। धारा 35 आ रही है ना, 35 आ रही है, आ जाएगी जल्दी। अच्छा, ये जानना चाहते हैं कि राम मंदिर के बारे में आपकी स्पष्ट भूमिका क्या है? राम मंदिर बनना चाहिए देश में, ये हमारी भूमिका नहीं है, देश चाहता है कि राम मंदिर बने और न्यायालय के आदेश का हम सम्मान करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हमारे इस्लामिक बंधु जो हैं उनको कहेंगे कि राम मंदिर बनाने में हमारी मदद करें। आपको लगता है कि जिस बात को कहकर आप सत्ता में आए थे, धारा 370 और राम मंदिर बनाने की बात, वो आपको लगता है कि पूरी हो जाएगी आपके कार्यकाल में? हमारे कार्यकाल में हम उसको पूरी करेंगे, ये पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन इसके लिए हम जनमत जागृत करेंगे, एक सामंजस्य बैठाकर बात करेंगे ताकि ये जो दोनों विषय हैं ये पूरे हम कर सकें। अच्छा सैनी जी, एक बात जानना चाहते हैं, राजस्थान में सत्ता और संगठन में बदलाव का जो बवंडर है वो उठता है और थम जाता है, क्या बड़ा कारण है, उसके पीछे कारण क्या है? कारण कुछ भी नहीं है, कुछ कारण तो हमारे मीडिया बंधुओं के कारण होते हैं कि हम दो आदमी जा रहे हैं काफ़ी देर तक हम बात नहीं करते तो आप कहते हो इनमें तो संवाद ही नहीं है। अरे भाई, सारे दिन क्या बात करेंगे, कभी कभी तो चुप भी तो रहना चाहिए, कुछ चिंतन करना चाहिए। ये जो मामला है कुछ नहीं है, न तो संगठन में कोई बदल है ना कोई सत्ता में बदल है, काम हमारा पूरा सामंजस्यपूर्ण चल रहा है, इसलिए ये कोई विषय ही नहीं है पार्टी के सामने। आपके विधायक, आपके लोग ही कहते हैं संगठन में बदलाव होना चाहिए, आपके कार्यकर्ता ही हवा देते हैं, तभी तो ये बात मीडिया तक पहुंचती है। कार्यकर्ता कहीं कहते होंगे, कहीं कार्यकर्ताओं के व्यक्तिगत विषय होंगे, उन पर भी संगठन विचार करता है, कहीं हमको संगठन में चेंज करने की जरूरत होती है वहाँ चेंज करते हैं ना हम? हम चेंज बिल्कुल नहीं करते, कार्यकर्ताओं की बात बिल्कुल सुनते नहीं, ऐसा नहीं है, चेंज भी करते हैं। आपसे ये जानना चाहते हैं, सत्ता और संगठन में हमेशा सत्ता ही प्रभावशाली क्यों रहती है, संगठन प्रभावशाली क्यों नहीं रहता? संगठन प्रभावशाली रहता है ना, अभी हमने तय किया कि हमारे प्रदेश में सारे लोग 3 दिन के लिए प्रत्येक जिले में जाएंगे, ये निर्णय तो संगठन का निर्णय है, सत्ता का निर्णय नहीं है। तो गए ना सारे लोग, हमारे मंत्री भी गए, हम लोग भी गए, संगठन के निर्णय को हम सर्वोपरि मानते हैं।
और सत्ता का जो निर्णय है वो सत्ता की दृष्टि से जब बातचीत होती है तो संगठन से चर्चा करके ही सत्ता तय करती है कि हमको किस विषय में क्या निर्णय करना चाहिए। इसलिए अलग अलग नहीं है, दोनों का सामंजस्य है इसमें, न सत्ता अकेली है न संगठन अकेला है, दोनों हम इस देश को इस राजस्थान के डेवलपमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जनता की भलाई के लिए वो दोनों मिलकर हम फैसला करते हैं। अच्छा, राजस्थान में बहुत लंबा दौर चला उपचुनाव के बाद, जब आप बहुत बुरी तरह आपने पराजय झेली, उसके बाद लगातार बहुत लंबी लंबी बैठकें चली, चिंतन और मंथन बैठकों का लंबा दौर रहा, निष्कर्ष क्या निकल कर आया? निष्कर्ष निकल कर आया कि काम खूब करो। राजस्थान में पूरे के पूरे जितने मंडल हैं, जितने जिले हैं, प्रांत है, डिवीजन है, सबके ट्रेनिंग के कैंप हो गए। फिर भी बावजूद इसके संगठन से आए हुए कई विधायक सदन में आपका अनुशासन छत विछत कर देते, तोड़ देते पूरी तरह से। इसीलिए डिसिप्लिन की आवश्यकता है, इसीलिए संगठन में ट्रेनिंग की जरूरत है। यदि सभी लोग ट्रेंड होते, हमारे अनुसार ठीक ही होते, तो हमको ट्रेनिंग कैंप चलाने की जरूरत क्या थी? और इन ट्रेनिंग्स की लाभ होता है, जो कार्यक्रम में आता है वो कुछ तो सीखता है। सैनी जी, वो बड़े कद्दावर चेहरे हैं संगठन के, जो अनुशासन लगातार तोड़ रहे हैं और उन पर कार्रवाई होने का नाम नहीं ले रही है। उन पर कार्रवाई हो रही है, कद्दावर चेहरों के खिलाफ कार्रवाई कद्दावर लोग करें। तो कद्दावर लोगों को हमने कह दिया कि कद्दावर नेता हैं, इनके खिलाफ आप कार्रवाई करो, हमने हमारी रिपोर्ट दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब शपथ ग्रहण की तब ये कहा कि बीजेपी मेरी माँ है, संगठन मेरी माँ है, बावजूद इसके कहीं कहीं संगठन सौतेले पुत्र की तरह खड़ा नजर आता है। कार्यकर्ता उलाहना देते हैं कि हमारे काम नहीं हो रहे हैं। कार्यकर्ताओं का काम हो, इसके लिए सोमवार मंगलवार बुधवार हमारे प्रदेश के मंत्री बैठते हैं, कार्यकर्ताओं के काम के लिए बैठते हैं, जनता के काम के लिए बैठते हैं। जरा मैं भी केवल कार्यकर्ताओं की शिकायतों को सुनता हूँ, मैं भी बैठता हूँ, पिछले 2-3 महीने से जो नई हमारी व्यवस्था हुई है, केवल कार्यकर्ता उनका काम करते हैं ना, बात करते हैं, मंत्री से बात करते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं, तय करते हैं कि काम हो। इसलिए कार्यकर्ताओं की शिकायत हम निर्मूल करने की कोशिश करेंगे। आप तो अनुशासन समिति के मुखिया रहे हैं, आपके कार्यकाल में क्या बड़ा ऐसा काम हुआ जिसको एक उल्लेखनीय उदाहरण मान सकते हैं संगठन के लिए? अनुशासन समिति का काम जो है वो जिनके खिलाफ हमारे पास शिकायतें आती हैं, उन शिकायतों को सुनना और उनकी ग्रेविटी के आधार पर उसका निर्णय करना, ये डिसिप्लिन कमेटी का काम है। इसके लिए हम व्यक्ति से व्यक्तिगत बात भी करते हैं, कुछ लोगों को हम केवल इतना कि सामान्य आरोप है तो उनको डांट भी देते हैं, फ़ोन पर डांट करके भी केस को ख़त्म करते हैं, कई बार नोटिस देकर उसका जवाब लेकर फिर करते हैं, कई बार आदमी का गंभीरता का आरोप है तो हम उसको निष्कासित भी करते हैं, सस्पेंड भी करते हैं, और व्यक्ति अपनी गलती मानता है उसके लिए क्षमा याचना करता है पार्टी से, तो पार्टी उसके केस को रीओपन भी करती है। लेकिन गुंजल ने लगातार आरोप लगाए संगठन पर, लगातार ये कहा कि मेडिकल इमरजेंसी जैसी हालत है सदन में। आपके जो संगठन के बड़े चेहरे हैं वो सरकार को घेरने का काम करते हैं, आपका अनुशासन वहां कहां चला जाता है ये जानना चाहते हैं? सदन का अनुशासन मेरा विषय नहीं है जी। मेरा विषय है सदन के बाहर का अनुशासन। सदन के अंदर का अनुशासन माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे चीफ व्हिप हैं, हमारे इंचार्ज हैं, उनका विषय होता है इस संबंध में, क्योंकि मैं सदन में होता नहीं हूं, इसलिए मैं उसका प्रॉपर जवाब आपको नहीं दे पाऊंगा। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं राज्यसभा के सांसद मदन लाल सैनी के साथ। मदन लाल सैनी जी, एक बात जानना चाहते हैं, संघ का कार्यकर्ता जो दरी पट्टी पर खड़ा होकर कभी संघ की शाखाओं में खड़ा होता था, वो आज सत्ता के लाल कालीन पर खड़ा है, बड़ी संख्या में खड़ा है, अपने संयम को कायम रख पाएगा? संघ ने हमको 3 बातें बताई हैं जी। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मेरे द्वारा ऐसा कोई काम न हो जो इस देश का अहित करता हो। दूसरी बात, हमारा चरित्र उज्जवल चरित्र रहना चाहिए। तीसरी बात, हमारा आर्थिक पक्ष भी ठीक होना चाहिए। ठीक होने का मतलब है आजकल एन केन प्रकारेण पैसा प्राप्त होना चाहिए, ये जो सोच लोगों का है ये संघ का सोच नहीं है। संघ का कहना है कि जहाँ साध्य पवित्र है उसको प्राप्त करने के साधन भी पवित्र होने चाहिए। हमारा राष्ट्रहित का जो साध्य है उस तक पहुँचने के लिए
साधनों का जो हम उपयोग करेंगे वो साधन भी उसी अनुपात में पवित्र और अच्छे होने चाहिए। लोकसभा चुनावों में आपका जो विजय रथ है वो एक अग्नि परीक्षा से गुजरेगा, आपको लगता है आप उस पार चले जाएंगे जहां विजयश्री है, या रास्ते में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? मुझे लगता है कि देश में प्रधानमंत्री जी ने जो इस देश को आगे ले जाने के लिए आयाम खड़े किए हैं, वो आयाम देश की जनता के सामने, उनका जीवन उसके सामने, उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हमारे कार्यकर्ता भी हैं। इसलिए हमको पूरा विश्वास है कि हमारे कार्यकर्ता ज़्यादा उत्साह से इस ओर लगेंगे। और आपकी एक जानकारी दे रहा हूँ कि हमने कहा है बूथ जीता चुनाव जीता, मेरा बूथ सबसे मजबूत। भारतीय जनता पार्टी है जहाँ हमारे 47,000 बूथों पर 26,000 कार्यकर्ता 7 दिन और 15 दिन के लिए पूरा समय वहीं रहकर देने का काम किया। ऐसे ही 6 महीने से अधिक समय देने वाले राजस्थान में प्रत्येक विधानसभा पर हमारे कार्यकर्ता गए, और इस समय भी दूसरी हमारी टीम प्रत्येक विधानसभा में हमने डेप्यूट की है। राजस्थान में तो ये परंपरा रही कि सत्ता बदल जाती है चुनावों के साथ, फिर दूसरी सत्ता आती है, लंबा दौर रहा है, 30 साल के तकरीबन हुए जाते हैं आज। उस समय जब ये दौर हुआ करते थे, आपको याद होगा कि हमारी MLAs की संख्या उतनी नहीं हुआ करती थी। भैरव सिंह जी का टाइम हो, पिछली बार भी हम किनारे पर ही थे, वसुंधरा जी, माननीय वसुंधरा जी थे उस समय। इस समय हम किनारे पर नहीं है, इस समय कांग्रेस किनारे पर है और जनता के हाशिए पर कांग्रेस है। मैं ये दावे से कह सकता हूं राजस्थान में कि हमारे कार्यकर्ताओं की वो सशक्त टीम, वो कई मंडल अध्यक्ष बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे, काम नहीं कर रहे, वो कई MLA MP बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे, वो पार्टी में दूसरी जिम्मेदारी लेने के लिए भी चुनाव नहीं लड़ रहे, वो इस बात के लिए चुनाव लड़ रहे हैं कि हमने जो कहा है कि 13 वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे न रहे लेकिन देश का मस्तक ऊंचा होना चाहिए, इस आग को लेकर हमारा कार्यकर्ता निकला है, इसलिए हमारे सामने कोई टिकेगा नहीं। लेकिन सैनी जी, उसी कार्यकर्ता के पिताजी का, मां का ट्रांसफर नहीं कर पाई सत्ता। ट्रांसफर होना चाहिए कार्यकर्ताओं को, कार्यकर्ताओं को रिलीफ मिलनी चाहिए और लगे हम। वो ये आरोप लगाते हैं कि हमारा छोटा सा काम नहीं कर पाई सत्ता। वो छोटा सा काम नहीं, उनका बड़ा काम भी कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं। मैं भी देख रहा हूँ इस काम को, हमारे मंत्रियों से भी बातचीत कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं के जो आवश्यक काम है, जो कानून नियम आ रहे हैं, वो प्रायोरिटी पर करेंगे, जनता के भी काम करेंगे। आपको लगता है इस परंपरा को आप तोड़ने में कामयाब रहेंगे, जो परंपरा पिछले कई सालों से कई चुनावों में राजस्थान में चलती आ रही है कि सत्ता में पार्टी रहती है, बहुमत में आती है, प्रचंड बहुमत में आती है, इसके बावजूद हार जाती है? हम हारने वाले युग में प्रवेश नहीं कर रहे, हम जीतने वाले युग में प्रवेश कर रहे। राजस्थान में जो राजस्थान की सरकार ने किया आज तक किसी ने नहीं किया, 5 रुपए में जलपान आपको मिलता है, नाश्ता मिलता है। मैं खड़ा हो गया एक दिन रेलवे स्टेशन के पास में जी, मैंने देखा कि मुझे भोजन करके देखना चाहिए किसका स्टैंडर्ड क्या है, कहीं सस्ता भोजन तो हम नहीं खिला रहे। मैं समझता हूं मेरे घर में भी इतना अच्छा भोजन नहीं मिलता, 8 रुपए में आपको भोजन करा रहे, 5 रुपए में आपको नाश्ता करा रहे। आप रेलवे स्टेशन पर जाइए, आप बस स्टैंड पर जाइए, आप बड़े हॉस्पिटल के सामने जाइए, क्या चाहती है जनता? बाहर से आने वाला आदमी जिसका ठिकाना नहीं रहने का, उसको रहने की व्यवस्था कर रहे। लेकिन कांग्रेस आप पर आरोप लगाती है कि आपने मेट्रो वो लेके आए, उद्घाटन आपने कर दिया, रिफाइनरी उन्होंने शुरू की, उद्घाटन आपने कर दिया, आपको नाम तक बदलना पड़ गया, कार्य शुभारंभ लिखना पड़ा शिलान्यास की जगह। देश में काम हुआ और रिफाइनरी जितना हमने वो राजस्थान को प्राप्त होता उनके एग्रीमेंट में, उसे दुगुना 4 गुना हमारे एग्रीमेंट में प्राप्त हो रहा है। देश को, राजस्थान को भला होना चाहिए था ना, वहां पर राजस्थान को भला नहीं हो रहा था, एक ग्रुप को भला हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी मुझे भला नहीं हो,
मेरे देश को, मेरे प्रांत को भला होना चाहिए, इसलिए उसको उठाकर एग्रीमेंट को देखिए, उनका एग्रीमेंट भी देख लीजिए, हमारा एग्रीमेंट भी देख लीजिए। राजस्थान को फायदा किसका है? यदि उन्होंने फायदे वाला काम किया तो उनको धन्यवाद दीजिए, हमने फायदा काम किया तो हमको धन्यवाद देना चाहिए। कई बहुत अध्ययन आपने किया है, संगठन को बहुत नजदीक से देखा है, आपका राजनीतिक आदर्श कौन है जो स्थायी तौर पर आपके मन और मस्तिष्क पर हमेशा हावी रहा है? मेरा राजनीतिक आदर्श जो है, संघ का वो प्रचारक है जिसने भरी जवानी में अपने माँ बाप को छोड़ा, अपने परिवार को छोड़ा, कभी भोजन मिला कभी भोजन नहीं मिला, कभी पैदल चला होगा कभी कपड़े फटे पहने होंगे, लेकिन उसने कहा कि मैं देश के लिए निकला हूं, वो मेरा आदर्श है, मेरा वो प्रचारक मेरा आदर्श है। हम बात कर रहे थे राज्यसभा के सांसद मदन लाल सैनी से। अगली बार सत्ता के एपिसोड में मिलते हैं एक और राजनीतिक शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।